तो गाइस अभी गैस करो हम कहाँ पे हैं, किस रूम में हैं, गैस कर सकते हो क्या है? लिविंग रूम लग रहा है। लिविंग रूम लग रहा है, देखो कितना मस्त है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हमको जाना है नैनीताल एक बहुत ही लग्जरी घर देखने के लिए, जिसका ना टॉयलेट सबसे यूनिक है। टॉयलेट देखने के लिए जा रहे हैं अम्मी हम। टॉयलेट देखने? क्यों? बहुत यूनिक सा टॉयलेट है उसका, मतलब उस वहाँ जाके लगता नहीं कि टॉयलेट है वो। जैसे यूजुअली सब सबके घर में टॉयलेट होते हैं ना, हाँ। जैसे हमारे घर में टॉयलेट है, फिर कहीं भी टॉयलेट होते हैं, अब हमको पता होता है टॉयलेट है, लेकिन वो लगेगा नहीं टॉयलेट, ऐसा ऐसा टॉयलेट है उस घर में। अच्छा। तो वो देखना है, वो भी मैं और पीयूष जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है, कैसा आप लोगों को भी दिखाऊंगा कम्प्लीट कैसा जो भी है। अब तो खाना खा ले, खाना बना है। क्या बना? कढ़ी चावल बनाए हैं तेल में, दे दो स्पेशल, बढ़िया ले आओ। हरी सब्जी देना, गैस ओरियो खाना मैंने ले लिया, देखो कैसे दिख रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है। ले गया ले गया ले गया। चलो भाई मेरा खाना भी आ गया, कढ़ी चावल हरी सब्जी। तो फिलहाल घर से निकल गए और आज हम जा रहे हैं बोबे की गाड़ी में। वो मारने को आया मेरे को ईटा लेकर के। ईट लेके? हाँ ये है ईट, यहाँ पर रखा है मैंने। कौन? ये वो सामने लोड़ा खड़ा है वो। यहाँ बैठा हुआ तो आगे। हाँ, जिसमें आप अंदर को गए, हाँ। यहाँ पर बैठा था। क्या मिलने आया? मुझसे मिलने आया? हाँ। तभी मैंने रोका आपको, मैंने कहा आपको बता देता हूँ और उसको कह भी देना। ठीक है कह देना, सॉरी सॉरी। नहीं सॉरी आपका कोई वो नहीं, नहीं है। मैं अभी वो कह रहा है, अभी सौरभ से कहता हूँ, क्या कहते हैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने कहा कह देना, तू आप बदतमीजी की खड़ी कहिए, कह देना। उसे सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, जो बैग वाला हाँ सामने है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलता हूँ। और उसके सामने गाड़ी रोकना भी मत और पोज मत देना। इतने नहीं नहीं, उसको वो बताना तो पड़ेगा उसको। हाँ वो बता देना आप, अगर मेरे को परेशानी होगी तो मैं आपसे ही कहूँगा ना। हेलो आपके साथ से। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। कह रहे कोई सब्सक्राइबर आया था ईट उठा के मारने के लिए गार्ड को, गार्ड अंकल इतने सीनियर अंकल हैं, अगर उनसे आप इस तरीके से बदतमीजी से बात करोगे, उनके रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे बताओ? अच्छी बात है। क्या नाम है बेटा? नमस्ते, क्या नाम है तेरा? मिलने आया टीकम चंद। क्या नाम है, कहाँ रहता है बेटा? मैं आज यहाँ मुखानी रहता हूँ। मुखानी कहाँ? मुखानी। बेटा तेरी एज कितनी है? मेरी 23। वो अंकल की एज कितनी है? सर अंकल जी की एज लगभग 40-45 है। 45? तो बेटा 45 को दे रहा हूँ। तो अंकल जी वो होंगे कम से कम 65 साल के अंकल जी, और आप इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हो, उनसे लड़ाई कर रहे हो, ईंट मारने जा रहे हो। मैंने ना हल्का से उनको ये तो बोला, मैं सौरभ भैया से मिलना है, मैं जस्ट वहाँ गया, मैंने उनका झूठ मत बोला करो। वो बोले कि यहाँ है नहीं सौरभ, मेरी बात सुन। तो वो ना एक्चुअली डंडा लेके आए थे, अगर ये क्लिप में अगर बोले ना, मैं अपनी 100% गलती मान। मेरी बात को सुन पहले, मेरी बात। अगर इस वीडियो में अगर वो एक में मेरी बात सुन, यहाँ पर गार्ड है, शिफ्ट वाइज गार्ड की ड्यूटी चेंज होती है ना, मेरी बात को समझना। गलती मान, गार्ड की ड्यूटी चेंज होती है, बार बार ड्यूटी चेंज होती है, ठीक है ना। तो उन्हें क्या मालूम कि कौन कहाँ है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है कि कौन कहाँ है, घर पे है नहीं है, उनको थोड़ा पता रहता है उनकी ड्यूटी। डंडा मारने के लिए थोड़ी ना रखा बेटा, बेटा आप वहाँ पे उनसे मिसबिहेव करो। बोला कि मेरा काम है, मैं 3 दिन से वेट कर रहा था। गलत बात है, अगर मेरी गलती हो तो मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करोगे ना तो फिर क्या होगा बताओ, आप सोचो ना। अपने बड़ों की इज्जत, मैं सॉरी मांगता हूं, वो डंडा लेकर आ रहे थे इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं नहीं कहता उनको कुछ भी। आप ईंट उठा के मारोगे ना? नहीं सर, मैंने ईंट उठा के नहीं मारी, उसने मेरे को निकाल दिया। उनकी 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 गाड़ी पार्क, गार्ड है, गार्ड की ड्यूटी क्या होती है कि भैया आप अपनी ड्यूटी करिए ना, किसी को अंदर नहीं आने देना, किसी जाए ना, सबकी आईडी लेनी है। जब उसको सोसाइटी वन ने जो बोला है वही वो करेंगे ना। सॉरी वही करेंगे ना। सॉरी बेटा मुझसे नहीं कहना है आपको, सॉरी उनसे कहना है। आप उनसे माफ़ी मांगो, उनसे सॉरी बोलो, आप ऐसे कभी किसी से मिसबिहेव मत करना, ठीक है ना। जाओ जाके सॉरी बोल के उनको। हाय फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड। हाय कैसे हो आप? हेलो। जस्ट यहाँ से निकले तो मेरे को ये मंदिर तो हमने देखा हुआ है। वो अपना काम कर रहे हैं ना सर? एक्चुअली ये बताओ मेरे को, अगर मेरी गलती हो, अगर अपने बचाव के लिए अगर इंसान अगर कुछ करे ना, वो लड़ने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं वहाँ, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपने बचाव के लिए अगर इंसान बचाव के लिए, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो आपके घर पे आए गए बताओ, ये बचाव होता है बेटा? कभी भी बड़ों से मिसबिहेव नहीं किया जाता, इस तरीके ये तरीका नहीं होता है, ये आपका अच्छा तरीका नहीं है। आप उनको ड्यूटी नहीं करने दे रहे हो ना, आगे से ऐसा मत करना कहीं कहीं भी, प्लीज ऐसे मत करना प्लीज। गाइस जैसे कि आपने देखा आज, और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मिसबिहेव करते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग मारने को आते हैं, मतलब सभी नहीं। देखो आपने देखा होगा बीच में अच्छे से लोग भी मिलते हैं, अच्छी फैमिलीज भी आती हैं जो कि मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं गार्ड्स की। तो हाँ प्लीज गाइस इस तरह से मत किया करो, इससे हम्बल रिक्वेस्ट गाइस प्लीज, क्योंकि वो गार्ड अंकल मेरे गार्ड अंकल नहीं है, वो सोसाइटी के गार्ड अंकल है, मेरे पर्सनल नहीं है वो। उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे सब्सक्राइबर्स को रोकेंगे।
गाइस मेरे को तो बहुत बुरा लगता है यार गार्ड अंकल के लिए, बिकॉज मेरी वजह से बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ गाली देते, मारने को भी आते हैं कई लोग, तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको हमेशा सॉरी सॉरी बोलता रहता हूँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ऐसा डेली होता है, डेली एक दो बंदे तो बहुत मिसबिहेव करते ही हैं और उल्टा सीधा बोलते ही हैं, फिर मैं गार्ड अंकल को खुद पर्सनली सॉरी बोलता हूँ, मेरी वजह से उनको इतनी दिक्कत होती है। तो भी गाइस एक दिक्कत हो गया, ड्रोन क्रैश हो गया हमारा। अब वो जाएगा ना फ्लाइंग पॉइंट पे, तो जा ही नहीं सकता, वहीं गिर गया होगा कहीं। उतरो उतरो जल्दी उतरो, ढूंढ ढूंढ ढूंढ। फाइनली आ गया ड्रोन। गाइस देखो सिर्फ 4% बैटरी है भाई, अगर हम 2 मिनट भी लेट हो जाते ना भाई, 4% भी खत्म हो जाते और ड्रोन बंद हो जाता और हमको मिलता है ना ड्रोन। भाई भाई किस्मत अच्छी थी, मिल गया। गाइस पहाड़ों में उड़ाने में रिस्क होता है भाई, हम फिर भी ट्राई करते हैं रिस्क लेके आपके लिए अच्छे से ड्रोन शॉट लें। तो इस वीडियो को लाइक करना गाइस, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ ड्रोन के चक्कर में। तो चलो गाइस अब चलते हैं सीधा नैनीताल में, आपसे नैनीताल में मिलता हूँ, जहाँ हमको जिस घर में जाना है हमको, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। तो भैया जब नैनीताल पहुँच चुके हैं, अब आपको घर से व्यू दिखाता हूँ पूरा। ये देखो सामने पूरा नैनीताल का लेक दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। गाइस आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको ये लग रहा होगा रियल है, बट रियल नहीं है, लेकिन गर्मी देता है मस्त, ऐसा लग रहा है कोयले जल रहे हैं देखो। तो गाइस अभी गैस करो हम कहाँ पे हैं, किस रूम में हैं, गैस कर सकते हो ये क्या है? लिविंग रूम लग रहा हुआ, देखो कितना मस्त है। ये देखो यहाँ पे कपड़े सब कुछ है, यहाँ पे टेबल है, इतनी प्यारी प्यारी टेबल है, ये है, ये देखो, मतलब गैस कर सकते हो क्या होगा ये एकदम से। 3, 2, 1 ये देखो ये वॉशरूम है गाइस, सीरियसली ये देखो भाई, ये देखो तो सही भाई, जो अंदर वाला ये नहाने का एरिया, वेट एरिया, यहाँ पे नहा सकते हैं। और ये देखो ये टॉयलेट है भाई, ये वाला ड्राई एरिया, ड्राई एरिया मतलब लग ही नहीं रहा भाई। आप वो यूरिनल देखो ना, वहाँ यूरिनल लगा हुआ है, आपको लगेगा नहीं कि आप वॉशरूम में है, लग ही नहीं रहा वॉशरूम में, फील आ रहा। हाँ बहुत अलग ही फील आ रहा है, देखो बैठने का भी है यहाँ पे। ये वॉशरूम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा, मतलब देखो तो सही ऊपर नीचे सब जगह। और इधर देखो बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, बाहर पूरा खुला हुआ है, मैं बोल रहा था इसको, बाहर पूरा नैनीताल का व्यू है लेक का देखो। और ये देखो ये है, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, ये देखो बहुत ठीक लग रहा है, अरे बहुत मस्त लगा, पहली बार मिल रहा हूँ और आपका घर, आपका सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कहीं भी। थैंक यू, ये ओल्ड ग्रोव है, यहाँ मैं 30 साल से अपार्टमेंट्स बना रहा हूँ। अच्छा आप अपार्टमेंट्स बना रहे हैं? बना के सेल करता हूँ। ओके, ये आप अपने लिए बना रहे हैं, खुद के लिए? ये मेरे लिए। तो ये सर अपने लिए खुद के लिए बना रहे हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल सब कुछ। फिलहाल चाय वगैरह लेते हैं, देखो ये सब कुछ अलग है भाई। तो नैनीताल में यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ना इस एरिया में, वो सारे सर ने बनाए हैं, सारे सुंदर सुंदर। दो बिल्डिंग नीचे हैं वो दिख नहीं रही हैं तुम्हें पेड़ों से ना। गाइस इस घर में जो भी चीज़ें ना सारी यूनिक हैं, सारी की सारी यूनिक है, यूनिक प्लस एंटीक। हाँ और सारी बाहर से लाई हुई हैं। रियल सिल्वर है गाइस, मेरे को तो अपने नए घर के लिए आइडियाज मिल गए। सबसे ज़्यादा मस्त तो ये लग रहा है देखो, ये अलग ही लग रहा है, रियल लग रहा था मैं एकदम से, हमें रियल। और ये वॉशरूम है देखो इधर, जो अभी हमने दिखाया ना इधर, जब मैं पहली बार घुसा ना वॉशरूम के अंदर तो मुझे पता था कि वॉशरूम है। मैंने कहा यहाँ पे सीट क्यों लगी हुई है भाई वॉशरूम वाले, गलती से लगा दिया किसी ने। फिर ये वॉशरूम है भाई, मैं भाई मतलब कन्फ्यूजन सा हो गया एकदम से देखते ही भाई। इतना प्यारा रूम है, उसके बीच में एक सीट लगी हुई है, वो देखो। हाँ मतलब इतना प्यारा रूम है, उसके बीच में एक सीट लगी हुई है। सुनो ये हमारी मेंटेलिटी है ना कि वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा नहीं वॉशरूम एकदम लग्जरी नहीं हो सकता, वो हमारी मेंटेलिटी है। अच्छा गाइस ये वाला घर था, वो ऊपर थे हम वहाँ पे। तो अभी गाइस आ गया घर देख के भाई, अल्टीमेट घर था, सारी यूनिक यूनिक चीजें थी वहाँ पे। यूजुअली जब हम टॉयलेट के बारे में सोचते हैं तो टॉयलेट छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे सीट लगी होती है, बस हमारे माइंड में होता टॉयलेट ऐसे ही होगा। पर थैंक यू संजय भाई अपना घर दिखाने के लिए, काफी कुछ सीखने को मिला आपसे बात बूत करके अच्छे से। चलते हैं अब घर, हल्द्वानी चलते हैं अब सीधा। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है आज, जल्दी आ गए नैनीताल से, आज ऐसा वॉशरूम देखा। तो गाइस अब फिलहाल डिनर करते हैं और देखो दीव भैया भी आए हुए हैं, जल्दी ही आपको नए घर की अपडेट देंगे हम।
जल्दी ही, कितना बनाया, कैसा बनाया, सब कुछ खाने में है, रोटी सब्जी। तो अभी सभी जा चुके हैं, फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, इसलो करता हूँ एंड एंड जाते थे फिर से बोलूँगा गाइस प्लीज़ गार्ड के साथ में या फिर किसी के साथ में मेरी वजह से मिसबिहेव या फिर उनको कुछ मत बोला करो, आप मेरे बारे में सोच लो गलत कि मैं नहीं मिलता, मैं कुछ मेरे बारे में सोच लो, मेरे बारे में बोल लो, अपने व्लॉग में बोल लो मेरे बारे में, बट प्लीज़ गार्ड को कुछ मत बोलो प्लीज़, क्योंकि बहुत बुरा लगता है यार कि मेरी वजह से गार्ड अंकल को आप कुछ भी बोलते हो या फिर कुछ भी होता, तो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ इस बात को समझो। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा वॉशरूम बेस्ट है भाई, कंफर्टेबल तो ही लगता है, बाय। अबे करने दो यार, रुक तो जा एक मिनट, रुक तो सही, जब हम वॉशरूम के बारे में सोचते हैं तो हमको ये वाली फील आती है ना, बदबू तो आनी है कहीं भी बैठो और क्या, कवर भी खाली सड़ा जाएगा।